हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द निक्स क्लासेस। ये हमारी पीएचपी कोर्सेज से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रिंट एंड इको में क्या डिफरेंसेस होती है। मींस पीएचपी में प्रिंट और इको में क्या डिफरेंसेस होती है। पिछले की वीडियो में हमने देखा था कि पीएचपी के कोड कैसे लिखे जाते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी क्या होते हैं, इसके कोड को किस तरीके से रन कराए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि पीएचपी के कोड कैसे रन करते हैं। तो आज हम देखेंगे पीएचपी में इको और प्रिंट में क्या डिफरेंसेस है। तो इको का यूज हम क्या करते हैं कि पीएचपी के कोड को, पीएचपी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए, मीन्स आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीएचपी में इको यूज करते हैं। जैसे कल मैं आप लोगों को बताई थी इको हेलो वर्ल्ड, अगर हमें इसे रन करना होगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, इको। ठीक वैसे ही हम प्रिंट को भी यूज करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ इसे रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं जैम्प को ऑन कर लूँगी, ये मैं जैम्प को ओपन कर ली, और अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल को सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है। विदाउट स्टार्ट, बिना मीन्स विदाउट इसे स्टार्ट किए हम अपने पीएचपी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे स्टार्ट कर ली हूँ, आप लोग भी इसे स्टार्ट कर लेना, देन आप अपने प्रोग्राम को रन कराना। और रन करने के लिए मैं क्या बताई थी, सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाओ, देन यहाँ क्या सर्च करो, लोकल होस्ट स्लैश आपकी पीएचपी कोड जिस भी नाम से सेव है उस नाम को। तो मेरी पीएचपी कोड first.php से सेव है, मैं इसे रन करती हूँ। देखो ये हेलो वर्ल्ड हमारी प्रिंट हो चुकी है। तो अब मैं क्या यहाँ यूज करूँगी, प्रिंट एंड यहाँ यूज करती हूँ वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल निक्स क्लासेस, कंट्रोल एस। अब इसे फिर से मैं क्या करूँगी, रन करूँगी। देखो वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल निक्स क्लासेस, ये आ चुकी है। तो अब बात आती है, मैं एक काम करती हूँ, इको br यूज करती हूँ टैग, कंट्रोल एस, सॉरी हाँ। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, इको और प्रिंट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात ये होती है। तो इको में अगर मैं चाहूँ तो ये जैसे यहाँ मैं हेलो एंड वर्ल्ड में क्या कर रही हूँ, मैं वर्ल्ड कंट्रोल एस, अब मैं इसे रन करती हूँ। देखो सॉरी, हेलो वर्ल्ड, एक मिनट, कंट्रोल एस, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ चेक करके। हाँ क्या करती हूँ मैं इको में, क्या कर रही हूँ मैं हेलो एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, कॉमा यूज करूँगी, कंट्रोल एस, इसे रन करती हूँ। ये हमारी हेलो वर्ल्ड अभी भी रन हो रही है, जबकि मैं यहाँ क्या की हूँ, कॉमा डाली हूँ और दो अलग अलग डबल कोट में इसे लिखी हूँ। बट अगर मैं चाहूँ प्रिंट में ये काम करना, मान लो मैं निक्स एंड इसे यहाँ कॉमा, हाँ निक्स क्लासेस को रन करना चाहूँ तो ये रन नहीं करेगी। देखो सिंटैक्स एरर आ गया। तो क्या है, प्रिंट में ये पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंसेस क्या है कि इको हमारी दो वैल्यू को एक बार में प्रिंट कर सकती है, बट प्रिंट हमारी दो वैल्यू को एक बार में प्रिंट नहीं कर सकती है। क्या इको हमारी मल्टीपल वैल्यू को एक बार में प्रिंट कर सकती है, बट प्रिंट हमारी मल्टीपल वैल्यू को एक बार में प्रिंट नहीं कर सकती है। फर्स्ट डिफरेंसेस एंड सेकेंड डिफरेंसेस क्या है कि इको हमारी फास्टर होती है किससे, प्रिंट से। इको स्टेटमेंट जो होती है वो फास्ट होती है किससे, प्रिंट स्टेटमेंट से। तो ये है बेसिक डिफरेंस इको और प्रिंट के बीच में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इको और प्रिंट में क्या डिफरेंसेस है। तो अब हम देखते हैं, अब हम जानेंगे कि पीएचपी के अंदर हम एचटीएमएल कोड को कैसे रन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इको का यूज करती हूँ एंड यहाँ यूज करूँगी इको, एंड इको के अंदर मान लो मैं लिखूँगी इनपुट, या फिर सिंपली h1 टैग यूज करती हूँ, h1, एंड यहाँ मैं लिखती हूँ हाउ आर यू, h1 को क्लोज करती हूँ एंड इसे क्लोज,
कंट्रोल एस, अब रन करती हूँ। देखो हाउ आर यू मेरी रन हो चुकी है। ये बोल्ड हो रही है क्योंकि एच वन टैग है, हेडर टैग है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इको के अंदर मीन्स पीएचपी कोड के अंदर एचटीएमएल टैग को यूज कर सकते हैं। मैं एक बारी और आप लोगों को बताऊंगी, इको सॉरी इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ, टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू नेम रखती हूँ नाम इसकी, एंड एक मिनट नेम इज इक्वल टू क्या ले ली मैं नेम, और फिर मैं क्या लिखती हूँ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ सॉरी इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, इसे क्लोज एंड ये हमारी कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ इसे रन करके दिखाती हूँ। ऑफ सिट कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए ये रन नहीं कर रही। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट सिट इसे मैं कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ इसे रन करती हूँ, वेट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर योर नेम, एंड इसे मैं क्या करूँ क्यों क्लोज कर रही हूँ, एंड यहाँ से ये स्टार्ट हुई नेम एंड इंटर योर नेम। वेट वेट एक काम करती हूँ मैं, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर योर नेम एंड नेम इज इक्वल टू नेम एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या हो गई टेक्स्ट हमारी, एक काम करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर योर नेम एंड कंट्रोल एस। एक बार मैं इसे रन करती हूँ, देखो ये आ गई इंटर योर नेम। यहाँ आप कुछ भी अपने नाम डाल सकते हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं एक HTML की कोड को PHP के अंदर क्या करते हैं रन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक PHP के अंदर HTML की कोड को कैसे रन कर सकते हैं। जैसे अब आप चाहते हो पैराग्राफ को रन करना तो वो भी आप कर सकते हो, इको एंड पी टैग को यूज करो। यहाँ मैं क्या लिखती हूँ पी टैग के अंदर हेलो हाय वेलकम टू आवर चैनल निक्स क्लासेस, कुछ भी आप लिख सकते हो निक्स क्लासेस। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ एंड हाय पी टैग को क्लोज नहीं की हूँ मैं, पी को क्लोज कर देती हूँ एंड ये हमारी हो गई कंट्रोल एस इको। इसे मैं क्या करूँगी अब रन करती हूँ, देखो पैराग्राफ भी हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने HTML कोड को PHP में रन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि PHP के कोड में HTML के कोड को कैसे रन करते हैं एंड HTML कोड के अंदर PHP को कैसे लिखते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी। तो आज हमने क्या सीखा कि PHP में प्रिंट और इको में क्या डिफरेंसेस होती है एंड PHP के अंदर PHP कोड के अंदर हम HTML कोड को कैसे ऐड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।